जब से कतर की सरकार ने 8 पूर्व भारतीय नेवी के ऑफिसरों को फांसी की सजा सुनाई है, तब से भारत सरकार इन 8 एक्स नेवी के ऑफिसरों को बचाने का भरपूर प्रयास कर रही है। यहां तक कि भारत ने कतर से तेल इंपोर्ट को बंद करने की बात को भी कह दिया है। इसीलिए भारत के आयल मिनिस्टर लगातार अपने ही सीमाओं में तेल और गैस के भंडार को खोजने में लगे हुए थे और अब उनकी यह मेहनत सफल होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि भारत ने अपने 4 बड़े कच्चे तेल के कुओं पर काम करना शुरू कर दिया और बताया गया है कि करीब 9000 बैरल प्रतिदिन कच्चे तेल का उत्पादन इन 4 तेल कुओं के माध्यम से किया जाएगा। साल 2021 से रुकी हुई इस परियोजना को फिर से भारत रिस्टार्ट करेगा, और ऐसा इसलिए क्योंकि लगातार ओपेक और ओपेक प्लस कंट्रीज मीटिंग्स कर रहे हैं और कुछ बड़े फैसले आने बाकी हैं, जिसमें यह डिसाइड किया जाएगा कि कई देश जो दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक है, इसके अलावा बड़े निर्यातक भी हैं, वह अपने आयल प्रोडक्शन कट और बंद करने वाले हैं। यानी कि सीधा असर आयल मार्केट के ऊपर पड़ने वाला है, और खासकर उन देशों को जिसमें भारत भी शामिल है। इन देशों पर बड़ा असर पड़ेगा क्योंकि भारत अपनी तेल जरूरतों का करीब 85% हिस्सा अलग अलग देशों से आयात करके पूरा करता है। लेकिन भारत में शुरू होने वाला यह तेल उत्पादन भारत के आयात में काफी बड़ी कटौती करने वाला है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। भारत जिस तरह से कतर को गैस और तेल के घमंड का सबक सिखाने वाला है, इसके लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही और भी ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेन खबर को जानने से पहले कुछ बातों का जानना जरूरी है, जिससे आप इस पूरी खबर को आसानी से समझ जाएंगे। दोस्तों, कल ही ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की इम्पोर्टेंट मीटिंग कराई गई है, जहां पर इसराइल फिलिस्तीन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, इसे किसी तरीके से कंट्रोल करने के लिए अब भारत भी कई इम्पोर्टेंट डिसीजन ले सकता है, जिससे इसराइल के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जा सके, और इसमें आयल प्रोडक्शन कट करना और आयल मार्केट को फ्लक्चुएट कराना सबसे बड़ा फैसला माना जा रहा है। और सही मायने में देखा जाए तो इन देशों के पास इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए और कोई भी रास्ता नहीं है। और बात रही भारत के इस समय सबसे बड़े आयल पार्टनर यानी कि रसिया की, तो रसिया का झुकाव भी काफी हद तक फिलिस्तीन की तरफ था, जबकि इसराइल का सपोर्ट यूनाइटेड स्टेट कर रहा था। यूनाइटेड स्टेट और रशिया के बीच में किस तरीके का टकराव है, यह आप सभी अच्छे तरीके से जानते हैं। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट किसी भी देश के बीच हो, उसका नुकसान भारत को हो सकता है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी का काफी बड़ा हिस्सा आयल पर ही डिपेंडेंट है। दोस्तों, जहां इसकी मेन खबर ये है कि भारत की दिग्गज कंपनी ONGC अपने प्रोजेक्ट को रीस्टार्ट कर रही है, जो कि करीब $5 बिलियन का है, और ये एक डीप वाटर प्रोजेक्ट है, जहां पर ONGC कृष्णा, गोदावरी बेसिन यानी कि बे ऑफ बंगाल के अंदर अपने इस आयल प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है, जहां पर ONGC की रिपोर्ट के मुताबिक इस एरिया के अंदर 3 से 4 तेल कुएं हैं, और यहीं पर ONGC अपने इस प्रोजेक्ट को रीस्टार्ट कर रही है। साथ ही यहां से करीब 8000 से 9000 बैरल प्रतिदिन कच्चे तेल का प्रोडक्शन किया जाएगा। लेकिन जिस एरिया में ONGC अपने काम को शुरू कर रही है, इससे पहले रिलायंस ने भी यहां पर काम शुरू किया था, लेकिन यह एक बहुत ही डीप वाटर एरिया, जहां पर बहुत ज्यादा रिस्क लेकर के कंपनीज काम करती हैं, और इसीलिए ONGC का कहना है कि हम वह गलतियां नहीं दोहराने वाले हैं जो कि रिलायंस ने की थी। वहीं इस आयल फील्ड पर काम करने के लिए ONGC ने अमांडा स्टालिन के साथ में पार्टनरशिप कर रखी है, जिनके पास आयल को प्रोड्यूस करने का काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। साथ ही ONGC ने एक और कंपनी के साथ में पार्टनरशिप कर ली है, जो कि बड़े लेवल पर फ्लोटिंग प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आयल का प्रोडक्शन करती हैं, क्योंकि यहां पर काफी ज्यादा डीप वाटर में आयल पर काम करना होगा, और यह कंपनी स्टोरेज और ऑफ रोडिंग इन सभी चीजों को मैनेज करने का काम करती है। इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि जो भी निकलने वाला कच्चा तेल होगा, उसे सबसे पहले मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड को भेजा जाएगा। वहां पर इस कच्चे तेल का परीक्षण किया जाएगा
इसकी क्वालिटी चेक की जाएगी और साथ में ग्रेड क्या है और इसको किस कीमत पर मार्केट के अंदर लाया जाए, ये सारी चीजें वहीं से डिसाइड की जाएगी। और ये भी बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर साल 2021 में ही काम शुरू होना था, लेकिन कुछ रीजन की वजह से काम शुरू नहीं हो पाया है। और फाइनली जिस तरीके से मार्केट फ्लक्चुएट कर रहा है, जल्द से जल्द भारत को अपने सभी काम रीस्टार्ट करने पड़ रहे हैं। अपने गैस के भंडार पर घमंड दिखाने वाले कतर को शायद पता नहीं कि जब इन देशों को कच्चे तेल और गैस की पहचान भी नहीं थी, यह देश कच्चे तेल को कीचड़ समझ करके इग्नोर कर देते थे, उसके कई साल पहले से ही भारत ने बायोगैस के ऊपर काम करना शुरू कर दिया था। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि साल 1859 में भारत ने दुनिया के पहले बायोगैस डाइजेस्टर को बनाने का काम शुरू किया था, और यह बायोगैस डाइजेस्टर अभी के मुंबई और उस समय के कहे जाने वाले बॉम्बे में सेटअप किया गया था। लेकिन उस समय बायोगैस इंडस्ट्री उतनी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई, क्योंकि भारत के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद अलग अलग विदेशी कंपनियां आई और उन्होंने ज्यादातर पेट्रोल और डीजल को ही भारत में प्रमोट किया। लेकिन अब एनर्जी सेक्टर में खुद को 360 डिग्री रोटेट किया है और समय के साथ बायोगैस की डिमांड और ज्यादा बढ़ चुकी है। आज ये इंडस्ट्री करीब 62 बिलियन यूएस डॉलर की पहुंच चुकी है और अब भारत ने भी इंडस्ट्री में अपना सबसे बड़ा कदम रख दिया है, जिसके बाद भारत बड़े स्केल पर बायोगैस का प्रोडक्शन करेगा। और गैस का प्रोडक्शन इतना ज्यादा होगा कि जितना हम इंपोर्ट कराते हैं उससे डबल कैपेसिटी के साथ भारत के अंदर प्रोडक्शन चालू होगा। दोस्तों, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि कतर ने अपनी गैस सप्लाई के लिए काफी बड़ा और लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट चाइना के साथ में फाइनलाइज कर लिया है, जिसमें कतर चाइना को अगले 27 सालों तक गैस की सप्लाई करने वाला है। और अगर इस पूरे सिनेरियो में कतर भारत को एक्सपोर्ट ऑयल एंड गैस को रोक भी देता है तो भारत के लिए दिक्कत नहीं होगी। भारत किसी और देश यानी कि रशिया, यूएई, सऊदी अरबिया या फिर वेनेजुएला से भी गैस खरीद सकता है, लेकिन हमारे हिसाब से भारत के लिए यह अल्टीमेट सल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि जो हरकत आज कतर ने की, आगे चलकर कोई और देश भारत के साथ इस तरीके की हरकतें कर सकता है, जहां पर ऑल ओवर भारत का टारगेट ये है कि अब अपनी डिपेंडेंसी को पूरी तरीके से खत्म किया जाए। और इस पूरी निर्भरता को ही खत्म करने के लिए आज भारत ने बड़ा फैसला लिया है, जहां पर कतर, पाकिस्तान और चीन जैसे देशों के साथ में अगले 25 सालों के लिए डील को फाइनलाइज कर रहा है। वहीं भारत में अगले 10 सालों को टारगेट बनाया है कि हमारे जो भी गैस इंपोर्ट है उनको पूरी तरीके से रिड्यूस कर दिया जाएगा और सिर्फ 15% इंपोर्ट भारत के अंदर बचने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कतर इससे भारतीय नेवी के ऑफिसरों को फांसी की सजा का फैसला बदलने वाला है या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजबल वीडियो देखने के लिए अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर रखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।